जाणू शहीद भगत सिंह सुखदेव ते राजगुरु नाल संबंधित कुछ अनजाने तत्। देश नू आजाद कराउण लई हस के फांसी दे रस्से नू चुम्मण वाले शहीद भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव दे बलिदान नू कदे नहीं भुलाया जा सकदा। इन्हां शहीदां नू 23 मार्च 1931 दी रात नू अंग्रेजां ने फांसी दे दित्ती सी। तुहानू दस दईए कि तिन्हां शहीदां नू तय दिन अते समय तो 11 घंटे पहला ही फांसी ते चढ़ा दिता गया सी। इस दिन नू हर साल शहीद दिवस दे तौर ते मनाया जांदा है। अज असी तुहानू भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव दी शहादत संबंधी कुछ अनजाने तत्थां बारे दसांगे। सब तो पहला आपां जानदे हाँ भगत सिंह बारे। 8 साल की छोटी उम्र च ही भगत सिंह भारत की आज़ादी बारे सोचण लग पए सन। 15 साल की उम्र च उन्होंने अपना घर छड्ड दिता सी। भगत सिंह दे माता पिता ने जदों उन्हां दा विआह करवाउणा चाहिया तां उह कानपुर चले गए। उन्होंने अपने माता पिता नूं कहा कि जेकर गुलाम भारत च मेरा विआह हो गया ता मेरी दुल्हन दी मौत होवेगी। इस तो बाद ओ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल हो गए। भगत सिंह ने अंग्रेजा नूं कहा सी कि फांसी बदले मैनू गोली मार देनी चाहीदी है, पर अंग्रेजा ने इस नूं नहीं मन्या। भगत सिंह ने जेल च 116 दिनां तक वर्त रख्या सी। हैरानी वाली गल है कि इस दौरान वह अपने सारे काम रेगुलर तौर पर करते सी, जिवें कि गायन, किताबा पढ़ना, लेखन अते रोज़ाना अदालत जाना। अजिहा कहा जाता है कि भगत सिंह हसदे हुए फांसी दे रस्से ते झूल गए सन। असल च निडरता नाल कीता गया उन्हां दा ए आखरी काम ब्रिटिश सम्राज नू नीचा दिखाउणा सी। जदों भगत सिंह दी माँ उन्हां नू जेल च मिलन आई तां भगत सिंह जोर नाल हस पए सन। वह देख के जेल दे अधिकारी हैरान रह गए कि यह किहो जिहा व्यक्ति है जो मौत दे इन्ने करीब होण दे बावजूद भी खुले दिल नाल हस रहा। हुण आपां जाणदे हां सुखदेव बारे। सुखदेव फांसी दी सज़ा मिलन ते डरन दी बजाय खुश सन। फांसी तो कुछ दिन पहला महात्मा गांधी नू लिखे एक पत्र च उन्होंने कहा सी